सुप्रभात। आज 24 मार्च 2021 दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे यानी विश्व टीबी दिवस वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। क्षय रोग आमतौर पर ज़्यादातर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। जब क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके साथ संक्रामक ड्रॉपलेट न्यूक्लीआई उत्पन्न होता है जो कि हवा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। यह ड्रॉपलेट न्यूक्लीआई कई घंटों तक वातावरण में सक्रिय रहते हैं। जब एक स्वस्थ व्यक्ति हवा में घुली हुई इन माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट न्यूक्लीआई के संपर्क में आता है तो वह इससे संक्रमित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 2 अरब से ज़्यादा लोगों को सुप्त टीबी संक्रमण है। सक्रिय टीबी की बात की जाए तो इस अवस्था में टीबी का जीवाणु शरीर में सक्रिय अवस्था में रहता है तथा यह स्थिति व्यक्ति को बीमार बनाती है। सक्रिय टीबी का मरीज दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए सक्रिय टीबी के मरीजों को अपने मुंह पर मास्क या कपड़ा लगाकर बात करनी चाहिए और मुंह पर हाथ रख कर खांसना और छींकना चाहिए। टीबी के लक्षण: लगातार 3 हफ्तों से खांसी का आना और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून का आना, छाती में दर्द और सांस का फूलना, वजन का कम होना और ज़्यादा थकान महसूस होना, शाम को बुखार का आना और ठंड लगना, रात में पसीना आना। टीबी की जांच कैसे की जाती है? टीबी के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर द्वारा रोगी को टीबी को जांचने के कई तरह के टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, जैसे कि फ्लू टेस्ट, स्किन टेस्ट, लाइन प्रोब टेस्ट, जीन एक्सपर्ट टेस्ट। टीबी का उपचार: टीबी के जीवाणु को मारने के लिए इसका उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। टीबी को रोकने के लिए क्षय रोग को रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से शिशुओं को बीसीजी का टीकाकरण कराना चाहिए। बच्चों में यह 20% से ज़्यादा संक्रमण होने का जोखिम कम कर सकती है। टीबी रोग से संक्रमित रोगी को खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगह पर या बाहर कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ताज़े फल, सब्जी और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स युक्त आहार का सेवन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तो भी टीबी रोग से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है।